नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 26 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज है छोटी दिवाली। आइए जानते हैं छोटी दिवाली की मान्यताएं। छोटी दिवाली धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है। छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद शाम को यमराज की पूजा की जाती है और घर के बाहर दीपक जलाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से जीवन पर मंडरा रही आपदाएं टल जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। बिहार पुलिस होमगार्ड ड्राइवर पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। सीएसबीसी बिहार 2019 के माध्यम से होमगार्ड ड्राइवर के पद के लिए 98 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी अन्य के लिए 450 रूपए है, तो वहीं एससी एसटी के लिए 112 रूपए। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। बिहार में पूरे 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार वासियों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करवाने का सपना सच होता दिख रहा है। केंद्रीय बिजली कोटा में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। ज्ञात हो इस समय प्रदेश में औसतन 4500 से 4800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है। इस हिस्सेदारी के पश्चात सेंट्रल सेक्टर में बिहार को एक साल में 1000 मेगावाट बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। इस साल के अंत तक बिजली विभाग में 400 मेगावाट बिजली की वृद्धि हो जाएगी। इससे बिहार की बाजार पर निर्भरता कम होगी। डाक विभाग ने निकाली भर्तियां। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवा के कई पदों पर रिक्तियां निकाली है, जिसके लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रूपए और एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए निःशुल्क है। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट gdsonline.in पर जाकर 14 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। ज्योति बनी भागलपुर की पहली महिला खिलाड़ी। मां के विश्वास ने ज्योति को भागलपुर की पहली महिला कबड्डी खिलाड़ी बना दिया है। बिहपुर प्रखंड से निकलकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी सफलता का परचम लहराया भागलपुर की ज्योति ने। शुरुआती दौर में भले ही ज्योति को लोगों के तानों का सामना करना पड़ा, मगर ज्योति की मां ने हमेशा उसका साथ दिया। ज्योति के इस मुकाम के बाद हजारों लड़कियां ज्योति के पदचिन्हों पर चलने लगी हैं। छठ पूजा के दौरान लाइटिंग के लिए कनेक्शन हुआ अनिवार्य। पटना नगर निगम की ओर से सेंट माइकल स्कूल से कलेक्ट्रेट तक किसी भी घाट का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण इस बार कई मोहल्लों की गलियां ठीक से रोशन भी हो पाएंगी या नहीं, इस बात पर भी आशंका जताई जा रही है। विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इस बार पूजा समितियों को लाइटिंग के लिए बिजली का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। बिना कनेक्शन के वे गलियां और सड़कों पर एक भी बल्ब नहीं जला सकेंगे। डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे जल जीवन हरियाली योजना का आह्वान। पटना स्थित ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लाइव वेबकास्टिंग और टीवी टेलीकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें, भोजपुर जिला अंतर्गत जल जीवन हरियाली के तहत कुल 527 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में से 483 योजना का शिलान्यास एवं 44 योजना का उद्घाटन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा। चयनित प्रारंभिक शिक्षकों को जनवरी में मिलेगा नियुक्ति पत्र। छठे चरण में नियोजन के लिए चयनित प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को अगले साल जनवरी में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में हुए बारिश के कारण राज्य के शिक्षा विभाग ने सूबे में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नियोजन की तारीख में बदलाव किया, जिसके पश्चात अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 9 नवंबर तक कर दी गई है। बिहार कैबिनेट ने वैट डीजल की दरों में किया संशोधन। बिहार कैबिनेट ने पेट्रोल डीजल की वैट दरों में संशोधन किया है, जिसके पश्चात वैट में 4% की कमी आई है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। वैट दरों में कमी आने की वजह से बिहार में डीजल पेट्रोल की दरों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आयोजित बैठक में सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। चुनाव परिणाम के बाद गिरिराज सिंह ने बिहार को किया सचेत। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद सबके अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इसी बीच भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी बिहार वासियों को सचेत करते हुए ट्वीट किया है कि बिहार के उपचुनाव में सबसे अजीबोगरीब परिणाम किशनगंज से उभर कर आया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM जिन्ना की सोच वाले हैं, इनमें बिहार की सामाजिक समरसता सुरक्षित नहीं है। बिहार वासियों को अपने भविष्य के बारे में सोचकर वोट करना चाहिए।
जमीन रजिस्ट्री में जमाबंदी जरूरी वाले फैसले पर लगी रोक। विक्रेता के नाम पर जमाबंदी एवं होल्डिंग नंबर होने पर ही जमीन की बिक्री करने की कानूनी संशोधन पर कोर्ट में सुनवाई की है, जिसके पश्चात बिहार में बिना जमाबंदी जमीन रजिस्ट्री नहीं करने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को अगले 3 हफ्तों में जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के आईजी निबंधन ने सभी जिला निबंधन पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि सिर्फ उसी जमीन की बिक्री हो सकती है जिसकी होल्डिंग या जमाबंदी विक्रेता के नाम पर है। हार के बाद बोले नीतीश कुमार, बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आए परिणाम ने सबको हैरान कर दिया है। लोकसभा में 1 भी सीट ना हासिल करने वाली राजद को 2 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं एनडीए को 5 में से महज 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई। जनता के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से कहा कि उपचुनाव में जब भी हारते हैं तो विधानसभा में बड़ी जीत हासिल होती है। आगामी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। जनता मालिक है, उन्होंने जो भी रिजल्ट दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। एसटीईटी परीक्षा में उम्र सीमा के नियमों में हुए बदलाव। एसटीईटी परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने को लेकर बिहार के शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। इसके अलावा कोई छूट अधिकतम उम्र सीमा में अलग से नहीं दिया गया है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर कहा है कि दिए गए निर्देश एसटीईटी 2019 की परीक्षा में आवेदन भरने वालों के लिए है। लोकसभा सीट जीतने के बाद अब प्रिंस राज संभालेंगे बिहार की कमान। लोजपा सांसद प्रिंस राज बिहार में हुए उपचुनाव में समस्तीपुर से चुनाव जीतकर सांसद तो बन ही गए हैं, मगर अब लोजपा उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी रखने जा रही है। आपको बता दें, सांसद बनने के बाद अब प्रिंस राज बिहार प्रदेश की कमान संभालेंगे। पार्टी ने उनकी जीत के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का निर्णय लिया है। लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष चिराग पासवान जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर मे आई हेल्प यू की सेवा की हुई शुरुआत। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए मे आई हेल्प यू सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब यात्री अपने उड़ान और हवाई अड्डे की सुविधाओं के बारे में सारी जानकारी ले सकेंगे। ज्ञात हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है, जिसके पश्चात अब कुछ ही महीनों के अंदर हेल्प डेस्क, व्हील चेयर और बच्चों के टहलने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही यात्रियों की मदद के लिए जल्द ही एक कस्टमर केयर नंबर जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से विभिन्न हवाई अड्डे से संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त करने में आसानी होगी। बांका जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों का जरूर भ्रमण करें। बांका जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना ना भूलें। लखदीपा मंदिर, पापहारिणी मंदिर, मदार पर्वत, ज्येष्ठा गौरवनाथ मंदिर तथा चुतेश्वर मंदिर जरूर घूमने जाए। वैसे बांका जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 7 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 7 घंटे का ही सफर करना होगा। यूजी पीजी में अब मनचाहे कॉलेज में हो सकेगा दाखिला। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में पड़ी खाली सीटों के मद्देनजर सभी सीटों को भरने के लिए छात्रों के लिए दिवाली ऑफर दिया है। जिन छात्रों ने अभी तक किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, वैसे छात्र अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ओपन ऑफर लेटर की खास बात यह है कि इसके ऊपर किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लिखा गया है, जिससे कि छात्र अपने मनचाहे कॉलेज में अगर सीट खाली हुई तो आसानी से नामांकन भर सकेंगे। आज से 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन आज जिला प्रभारी सह ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार करेंगे। ज्ञात हो, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी में इस महोत्सव का आयोजन 26 एवं 27 अक्टूबर को किया जा रहा है। आपको बता दें, इस महोत्सव में बॉलीवुड के सिंगर राकेश राज, शुभाषी बैनर्जी, दिल्ली हिंदुस्तानी फेम सिंगर भवानी पांडे सहित अन्य कलाकार, डांस ग्रुप व स्थानीय स्कूली कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। नीतीश सरकार ने दिया राज्यकर्मियों को दिवाली का तोहफा। बिहार कैबिनेट की बैठक में हुई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की इस बैठक में नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों को दिवाली गिफ्ट देने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा करने का निर्णय लिया है, जिसके पश्चात महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% हो गया है। आपको बता दें, इस घोषणा का लाभ कर्मचारियों के साथ साथ लगभग सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को मिला लाभ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने आवास पर आयुष्मान भारत योजना से लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाती है। इस योजना में अब तक 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ मिल चुका है। इसके अलावा बची हुई आबादी को भी इस योजना के तहत लाने की योजना बनाई जा रही है।
पप्पू यादव ने जदयू के उपचुनाव में हार पर दी अपनी प्रतिक्रिया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने उपचुनाव में जदयू को मिले करारे हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को जनता की बददुआओं ने हराया है, जबकि विपक्ष ने कांग्रेस को उपचुनाव में दगा दे दिया। विपक्ष के लोगों ने कांग्रेस के लिए प्रचार तक करना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ खानापूर्ति की गई। धोनी को लेकर एमएसके प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने महेंद्र सिंह धोनी की मैदान में वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा है कि धोनी को लेकर चयन समिति की राय साफ है, वह आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व कप के बाद से हम साफ है, हमने ऋषभ पंत का समर्थन करना शुरू किया है और उन्हें अच्छा करते हुए भी देखा है। कुछ मैच में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो भी हम साफ कर चुके हैं कि हम सिर्फ उन पर ध्यान देंगे। बिहार के कई राज्यों में बारिश की बड़ी संभावनाएं। पटना मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि आने वाले एक दो दिनों में राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे तथा तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी बीच हालांकि कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावनाएं हैं। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में दिनभर बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने के भी आसार है। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार है। हाउसफुल 4 ने पहले दिन तोड़ा साहो का रिकॉर्ड। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, चंकी पांडे, कीर्ति सानन, कीर्ति खरबंदा और पूजा हेगड़े की फिल्म हाउसफुल 4 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ ही इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर प्रभास की साहो फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें, साहो ने पहले दिन 24.40 करोड़ की कमाई की थी। मल्टी स्टारर इस फिल्म को देखने के बाद लोगों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।